को मूल कांचन दीर्घतनम तन निंदित मदनारबुद वंदित चंद्रपदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम वंचा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभयेव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। ब्रज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव परम गुरुदेव शिल प्रभुपाद सारे गुरु वर्गो का अभय रातुल चरणों में साष्टांगे दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर अवहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। कृपा पूर्वक स्वीकार करते हुए हमको आशीर्वाद करे। सही ढंग से मैं ठाकुर जी का कथा सेवा हर दिन पालन कर सकता हूँ। धारावाहिक रूप से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रचित मनोहर शिक्षा का जो कथा चल रहे थे उसका चौथा श्लोक आए हम लोग सुनता हूँ। असाद वरता विश्वाभिश्रीज मति सर्वस्वहारिणी कथा मुक्ति व्यग्रान सिनु किल सर्वात्मगिलनी अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमेतव्यमनयनीं ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मनिदौ त्वं भज मनः। इस श्लोक द्वारा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हम लोगों का शिक्षा दिया। ब्रज धाम का जो नित्य प्रेम है, नित्य सेवा है, जो नित्य आनंद है, राधा कृष्ण का जो नित्य सेवा है, तो क्या करने से हम लोगों का अंतिम लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल चूड़ान्त लक्ष्य यानी जिनित्य भगवान का सेवा प्राप्ति प्रेम आस्वादन नहीं कर सकता हूं। तो प्रेम पाने का प्रतिबंधक समाह पहला ही बताया असत वार्ता वैश्या वृषिज। असत वार्ता वार्ता यानी कथा है जो हम लोग हर दिन हर मुहूर्त एक दूसरी का साथ कहता हूं। ये बात यानी कथा दो तरीका का होता है, एक सत एक असत। सत यानी नित्य, नित्य कौन है? एकमात्र भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनका अभिन्न प्रकाश। ब्रजेंद्र नंदन जयी शची सुत होइल सेई यानी जो ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण वही कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आया है। तो भगवान के बारे में बातचीत करना ही सद वार्ता। और भगवान स्वर के और जितने प्रकार कथा हैं वो सारे असत। तो देखिए ये भगवान स्वर के जितने सारे कथाएं असत, ये असत कथा का एक वेश्य का साथ तुलना किया गया है यानी जो असत कथा कहता है वो वैश्य स्वरूप। तो इसीलिए पहला ही गोस्वामी पाद ने बोला उसका बी सृज, उसके टैग करो। टैग करो, क्या टैग करना है?
असद वार्ता। रूप वेश्या का, वेश्या का जो स्वभाव है वो हम लोग का त्याग करें। इस संसार में ऐसा कई आदमी नहीं है जो अपने आप सोच बूझ कर वेश्य होना चाहता है, कोई नहीं है। सब लोग अपने आप अच्छा होने का कोशिश करता है, तो अच्छा होने का पहला ही उपाय इस संसार का सारे जागतिक यानी असद वार्ता त्याग करना होगा, नहीं तो अपने आप वेश्य बन जाओ, इसलिए उसका त्याग करो। लेकिन वो क्या करता है, कोई वेश्य बन गया अच्छा है, लेकिन असद वार्ता जो त्याग नहीं करेगा वो वेश्य बन गया। लेकिन वेश्य बनने के बाद क्या होगा, उसका मोती सर्वस्व हरिणी ही, मोती यानी बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, उसके सारे शुद्ध बुद्धि नष्ट हो जाएगा। शुद्ध बुद्धि नष्ट हो जाएगा, पहला तो वेश्य बन जाएगा, फिर उसका सारे शुद्ध बुद्धि नष्ट हो जाएगा। जिसका शुद्ध बुद्धि नष्ट हो जाएगा, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा, क्या करने से नित्य प्रेम मिलेगा, क्या करने से हम लोगों का नित्य लक्ष्य में जा सकता हूं, इसका बारे में उनका कुछ भी जानकारी नहीं रहेगा। तो देखिए, एक का पकार करने से हम लोगों का कितना बड़ा क्षति होगा। इसीलिए पहला तो असद वार्ता त्याग करने से हम लोग का बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा। जानिए, हर कोने कोने से जानिए, जिन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हुआ उन लोग ठाकुर जी का कथा नहीं कहता, भगवान का सद कथा नहीं कहता है, सत्य कथा नहीं कहता है, इस संसार का असद वार्ता लेके इतना व्यस्त है, इसीलिए उन लोग उसी वेश्या स्वरूप असद वार्ता का आश्रय करने के लिए उसके सारे बुद्धि भ्रष्ट हो गया। फिर क्या बताया, कथा मुक्ति व्याख्यान श्रीनो किल सर्वात्मगिलनी, जो कथा मुक्ति, जो कथा से मुक्ति देता है वो एक व्याघ्र का समान, बाघ का समान, टाइगर, उसका मत सुनो, कभी भी मत सुनो। जो कथा से मुक्ति मिलता है उसका मत सुनो। कौन सा कथा से, और मुक्ति वा क्या है, मुक्ति पांच प्रकार है, क्या है, स्व सारूप्य, सारूप्य, सालक्य, समीप्य, साष्टी और साजुज्य। सारूप्य जो भगवान का समान रूप मांगना, मिल गया, ऐसा कथा सुना, उसी कथा का पुण्य से, सुकृत से, उसी कथा का कृपा से भगवान का समान रूप मिल गया, वो हम लोगों का नहीं चाहिए। फिर सारूप्य सालोक्य, भगवान समान लोक, भगवान जहां पे वास करता है वो सेम लोक, वैकुंठ, वैकुंठ धाम प्राप्त करना, भगवान जो लोक में उसका समान लोक या निवास करता, वासस्थान मांगना, वो भी एक प्रकार मुक्ति है। फिर बता सामीप्य, भगवान के नजदीक निकट में वास करना। फिर बता साष्टी, ऐश्वर्य, कंट्रोलिंग पावर, किसी का नियंत्रण करने का एक क्षमता चाहिए, सारे धन संपत्ति में भरा होना चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा घर चाहिए, भोग विलास का सारे तरीका का चीज चाहिए, ये साष्टी ऐश्वर्य मांगना। फिर होता है साजुज्य, साजुज्य मुक्ति सबसे बुरा है, यानी खुद ही भगवान अपना का ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित करना, वो कभी भी नहीं होता। अपना स्वरूप नष्ट होकर दूसरे स्वरूप में कभी भी नहीं जाता है। चैतन्य चरितमृत कहता है, केहो माने केहो ना माने सब तार दास, जेना माने सही पापे होय तार सर्वनाश। हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, ये जो नित्य स्वरूप है ये कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। जो भी सोचना, जो भी चिंता बीच में लेकर सोचो कि मैं खुद ही ब्रह्मा बन जाऊंगा, ऐसा मुक्ति मिल गया, कभी भी नहीं हो सकता। ये पांच तरीका का मुक्ति एक बाघ का साथ तुलना किया गया है,
वो सर्वात्म गिलोनियो सब कुछ हरण कर लेगा, वो सब कुछ खा लेगा, गलदकरण कर लेगा। उसका मात सुनो, अभी तो ऐसा ही चल रहा है। फिर क्या बताया, ओपी दो चीज है, एक असत वार्ता, उसका पकड़ने से हम लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। फिर बताया मुक्ति का कथा, बाघ का सुमान है, वो हम लोग का खा लेंगे। कोई आदमी सोच बूझ कर एक जंगल का बाघ का सामने जाएगा? कोई ज्ञानी आदमी, कोई बुद्धिमान आदमी कभी भी एक बाघ जैसा जंतु का पास नहीं जाएगा, जानवर का पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानवर हम लोगों का खा लेगा। तो मुक्ति भी एक जानवर सदृश है। फिर और भी बताया, ओपी त्यक्त्वा लक्ष्मी पतिरती मितो व्योम नयन, परव्योम यानी वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम का अधिपति कान है, पति कान है नारायण, और उनका सेविका कान है, उनका नित्य शक्ति कान है लक्ष्मी देव। तो हम लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो लक्ष्मी देवी का संपद, वो नारायण का जो वैकुंठ धाम प्राप्ति, वो भी नहीं चाहिए, उसका भी छोड़ दो, क्योंकि नारायण नारायण परतत्व नहीं है। परतत्व भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, श्रीमद भागवत महापुराण कहता है, ये ते चांश कलाहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी कहता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारण। तो देखिए परतत्व यानी उसका ऊपर यानी समान इस संसार में कोई नहीं है। वो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो क्या है? लक्ष्मीपति का यानी नारायण का जो वैकुंठ धाम प्राप्ति करने का जो इच्छा, वो भी सब क्या करना है? करना है ब्रजे राधा कृष्ण स्वर्ति मणि दो त्वम भजवन। क्यों? ब्रजे धाम में राधा कृष्ण का स्वरति मणि दो त्वम भजवन, स्व यानी अपने का, रति यानी प्रेम, मणि यानी रत्न, दो माने दाता। ब्रज धाम में जो राधा कृष्ण अपना प्रेम नामक रत्न हम लोगों का देने के लिए तैयार है, हमेशा उसी का भजन करो। जो प्रेम रत्न दाता है, देने वाला है, कौन? एकमात्र राधा कृष्ण। इस विश्व चराचर में प्रेम धन एकमात्र राधा कृष्ण ही दे सकता है, उसकी कोई नहीं दे सकता है। विचार करना होगा। तो जो भी है, स्वारती यानी राधा कृष्ण का जो अपने का प्रेम और रत्न है, वो दान करता है। लेकिन हम लोग उसी का लिए क्यों इतना कोशिश करूं? हम लोग क्यों उसी का पीछे भागो? स्वरतीद का मतलब है आत्मरति। आत्मरति यानी सारे आत्माओं का जो आत्मा है, वो कौन है? भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, श्री राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण एक ही तनु है, लीला विलास से अलग अलग है, अलग नहीं है। तो देखिए सारे आत्माओं का आत्मा कौन है? राधा कृष्ण। तो हम लोग क्या है? उसी राधा कृष्ण का अनु चैतन्य रूप हम लोग नित्य दास। ये जीव का स्वाभाविक रति है, इसी का ही आत्मरति कहता है। तो इस रूप से रति यानी प्रेम, प्रेम जो प्रेम है, जो प्रेम और रत्न है, उसी जीवों का नित्य सिद्ध धर्म, उसी प्रेम पाने का, उसी सुख पाने का, उसी आनंद पाने का, उसी राधा कृष्ण का सेवा करना, उसी ब्रजधाम में हमेशा रहना, वो हर जीवों का नित्य
जो स्वभाव है। लेकिन क्या करता हूं, माया मुग्ध अवस्था में फंसकर अविद्या का आश्रय लेकर इस जागतिक संसार का इतने सारे वासना हम लोगों का बीच में प्रवेश कर लिया, जो हम लोग उसी नित्य स्वभाव का चिंतन ही नहीं कर सकता हूँ। यहाँ का दूसरी दूसरी चीज कहता हूँ, यही मेरा है, यही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो राधा कृष्ण का नित्य प्रेम यानी अपना हर जीवात्मा का जो नित्य स्वभाव का अनुसार में जो नित्य प्रेम पाना, ठाकुर जी का सेवा करना, वो बंद हो सकता है। क्या करने से बंद हो सकता है? असद वार्तारूप वेश्य का आश्रय करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। मुक्ति देने वाला कथा सुनने से हम लोगों का सर्वस्व सब कुछ एक जानवर जैसा, उसी का जानवर का साथ तुलना किया गया है, वो सब कुछ खा लेंगे। तो विचार कीजिए क्या करना है। और सारे भक्तों का चरण में मैंने यही निवेदन करता हूँ, कभी भी अपना स्वरूप भूलकर माया में फंसकर ऐसा काम मत कीजिए। तो जय हो, हमको भी आशीर्वाद करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।